मुख्यमंत्री के कांगड़ा दौरे से जनता को सीख लेनी चाहिए कि प्रदेश के मुखिया ने किस कदर नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं और जनता ने कोरोना काल में कितनी परेशानियां झेली हैं। जबकि सरकार आम आदमी को सजा देने की बात करती है, पर खुद नेता ही लापरवाही बरतते हैं। ऐसे समय में हमें एक उदाहरण के रूप में जनता के सामने आना चाहिए, ताकि जनता को लगे कि हमारे नेता सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। ऐसे में कई कायदे कानूनों का पालन करेंगे ऐसे में बेबी कई कायदे कानूनों का पालन करेंगे। बाली ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जन्मदिन पर होने वाले बाल मेले को स्थगित किया है, क्योंकि इस मेले में भी हजारों लोग आते हैं। ये भी एक तरह से उदाहरण है। सीएम जयराम ठाकुर को कांगड़ा आना था तो धर्मशाला स्थित सचिवालय में बैठकर काम करते। सड़कों पर बैंड बाजा बजवाने की क्या जरूरत थी। शक्ति प्रदर्शन के मौके पक्ष और विपक्ष के सामने बहुत आएंगे, लेकिन जब कोरोना नहीं होगा उसमें शक्ति प्रदर्शन करना सही है। बाली ने कहा कि धर्मशाला को राजधानी तो बना दिया, लेकिन यहाँ कोई भी सेक्रेटरी तक नहीं बिठाया गया। बाली ने पूछा कि पिछले 3 वर्षों में बीजेपी सरकार ने क्या किया और क्या लेकर आए। इस समय लोगों के सामने वित्तीय संकट का सबसे बड़ा मुद्दा है। कर्मियों को समय पर ना तो वेतन मिल रहा है और ना ही पेंशनधारियों को पेंशन। प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत भी खराब है। मामले सामने आते ही दब जाते हैं। सीएम टास्क फोर्स बनानी चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। बेरोजगारी के मुद्दे पर बाली ने कहा कि बेरोजगारी पहले भी थी और कोरोना ने इसे और भी बढ़ा दिया। ये भी सवाल है कि बीजेपी सरकार ने आज तक कितनों को रोजगार दिया, ये बताना चाहिए। सीएम जयराम का कहना है कि कोरोना से हिमाचल को 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन जनता को बताएं कि कहां और किस सेक्टर में नुकसान हुआ है। बसों का किराया बढ़ाकर जनता पर बोझ डाल दिया है। ऐसे में लोग बस छोड़कर अपने वाहनों पर यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि किराए के हिसाब से बस यात्रा महंगी हो गई है। ये सब ट्रांसपोर्टों को लाभ देने के लिए किया गया है। छोटी बच्चियों के खिलाफ जो आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, उन पर तुरंत अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी जहां जहां गए वहां वहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, और ये स्वाभाविक था कि जब कोई भी नेता पब्लिक में जाता है तो उनको मिलने वाले लोग जो है वो इस बात की परवाह किए बिना कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, कोशिश करते हैं कि पहले मैं मगर जबकि हम ऑर्डिनरी आदमी को सजा देने की बात करते हैं तब उस समय हमें एक उदाहरण के रूप में पब्लिक के सामने आना चाहिए। और पब्लिक को लगे कि भाई हमारे नेतागण जो हैं अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, हमें भी उसका पालन करना चाहिए। मैंने इसी उद्देश्य से जब मेरे पास बाल मेला कमेटी आई तो हम लोगों ने जो 20 साल से मेडिकल कैंप और बाल मेला का आयोजन होता था उसको कैंसिल किया, कि हमें पता था कि हम चाहते हुए भी भीड़ के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ हजारों हजारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं,
मगर कैंसिल किया। अपने दिल के ऊपर बड़ा पत्थर रख कर के भी ये डिसाइड किया गया कि नहीं, हम कन्नूर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और सोशल डिस्टेंसिंग को शायद मेंटेन ना कर सके, हम इसको कैंसिल करते। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो प्रशासन भी है उसको मुख्यमंत्री जी को एडवाइज करना चाहिए था, मंत्रियों को एडवाइज करना चाहिए था कि अपना जो टूर है वो ना करे। अगर मुख्यमंत्री जी का कांगड़ा आना जरूरी था, वो प्रवास पे आना चाह रहे थे, तो सेक्रेटेरिएट में बैठ करके नियमित रूप से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए वैसे रिलीज करते और मुख्यमंत्री जी से मिलाते ताकि ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी होती और इशू बेस्ड बात भी हो जाती। मगर ये मेरी समझ से बाहर है कि बैंड बाजा बजवाने की क्या ज़रूरत थी, उसको अवॉइड किया जा सकता था। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आप जितने मर्जी बाजे बजाए, मगर या तो सरकार जो है वो मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं चाहती थी, सरकार जो है मुद्दों को नज़रअंदाज करना चाहती थी और नाम मात्र कांगड़ा में आगे और एक दिन एक जगह चले गए, दूसरे दिन दूसरी जगह चले गए, तीसरे दिन घर को वापस चले गए। शक्ति प्रदर्शन करने के कई मौके आएंगे अपोजिशन के पास भी और सरकार के पास भी, सब लोग अपने अपने पॉइंट लेके जाएंगे, सरकार अपने पक्ष में रैलियां करेगी, विपक्ष उनको घेरने के लिए रैलियां करेंगे। मगर ये तभी पॉसिबल होगा जब कोरोना साहब नहीं होंगे। जब तक कोरोना बीच में है और हम समाज को एक धक्का लगा सकते हैं, उससे बचने का प्रयास सबको करना चाहिए।